Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning students. This is a class 6 geography book. The first chapter is representation of geographical features. We cannot see the entire earth at the same time because of its huge size and spherical shape. हम पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं एक ही समय पर क्योंकि यह बहुत बड़े साइज में और गोलाकार शेप में है. इवन द पिक्चर टेकन फ्रॉम सैटेलाइट शो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ, केवल आधे ही हिस्से की हम फोटो सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं. ग्लोब, अ स्मॉल ह्यूमन मेड मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. ग्लोब एक पृथ्वी की तरह दिखने वाला मानव निर्मित एक शेप है जो कि जिसको ग्लोब कहते हैं. अ ग्लोब इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द अर्थ. ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द मैप ड्रॉन ऑन अ ग्लोब शोज द करेक्ट साइज शेप एंड लोकेशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. मैप पर ग्लोब द्वारा दिखाए गए करेक्ट साइज और शेप एंड लोकेशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ते हैं. इट ऑल्सो शोज द करेक्ट पोजिशन ऑफ प्लेसेज इन रिलेशन टू वन अनादर. यह किसी भी स्थान की पोजीशन को बिल्कुल करेक्ट दिखाता है और उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी सही बताता है. आते हैं अब मैप्स पे. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज अ होल और अ पार्ट ऑफ इट. मैप पूरे पृथ्वी को एक मैप अर्थ को रिप्रेजेंट करता है एज अ होल और पार्ट ऑफ इट. ड्रॉन टू अ स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस, स्केल से ड्रॉ किया गया है किसी फ्लैट सरफेस पर. ऑल्दो लेस एक्यूरेट देन अ ग्लोब अ मैप इज डेफिनेटली मोर यूजफुल. अ मैप इंक्लूड्स अ टाइटल स्केल डायरेक्शन ग्रिड कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स. किसी मैप में इंक्लूड किया जाता है उसके टाइटल स्केल डायरेक्शन ग्रिड कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स एंड कलर्स टू शो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन. स्केल, इंडिया में हम मीट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं इन विच लॉन्ग डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, जिनमें लॉन्ग डिस्टेंसेज को किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है एंड शॉर्ट डिस्टेंसेज को मीटर्स में मेजर किया जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ मैप इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स. डिस्टेंस को किसी मैप पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है. टाइप्स ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स. फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल स्केल मैप्स. द स्मॉल स्केल मैप्स शो अ वेरी लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल्स. स्मॉल स्केल मैप्स में बहुत ही बड़े एरिया को दिखाया जाता है कुछ कम डिटेल के साथ में. द मैप्स इन एन एटलस एंड द वॉल मैप्स यूज इन क्लासरूम आर स्मॉल स्केल मैप्स. मैप्स को एटलस में एंड वॉल मैप्स में यूज किया जाता है. इन क्लासरूम आर स्मॉल स्केल मैप्स, क्लासरूम में स्केल मैप्स ही यूज किए जाते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स ही यूज किए जाते हैं. द स्मॉल स्केल मैप्स गिव अ जनरल पिक्चर अबाउट द फिजिकल क्लाइमेटिक एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट रीजन. स्मॉल स्केल मैप्स साधारणता तौर पर इनकी पिक्चर फिजिकल क्लाइमेटिक एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट रीजन में दिए जाते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज लार्ज स्केल मैप्स. द लार्ज स्केल मैप्स शो अ वेरी स्मॉल एरिया. लार्ज स्केल मैप्स बहुत ही छोटे एरिया में कम ज्यादा डिटेल के साथ में दिखाए जाते हैं. द कैडेस्ट्रल मैप्स एंड द टोपोग्राफिकल मैप्स आर लार्ज स्केल, यानी कैडेस्ट्रल मैप्स और टोपोग्राफिकल मैप्स ही लार्ज स्केल मैप्स में आते हैं. इसको आप फिगर 1.2 में देख सकते हैं कि लार्ज स्केल मैप्स किस तरीके के होते हैं. कैडेस्ट्रल मैप्स एंड टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में क्लास में विस्तार से जानेंगे. आइए जानते हैं डायरेक्शंस. व्हाट इज द डायरेक्शंस? द डायरेक्शन ऑन अ मैप इज शोन यूजिंग एन एरो. द टिप ऑफ द एरो इज मार्क्ड विद द लेटर एन. डायरेक्शन को शो करने के लिए एक एरो से बताया जाता है. द टिप ऑफ द एरो इज मार्क्ड विद द एन लेटर. एन लेटर से इसको मार्क किया गया. दिस मीन्स दैट द एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है. दिस एरो ऑन द मैप इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. इस एरो को मैप पर नॉर्थ लाइन कहते हैं. हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन? डायरेक्शन वी कैन फाइंड डायरेक्शन इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट फेसिंग द राइजिंग सन, सेकेंड थ्रू द पोल स्टार, थर्ड यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास.